पे हम देख सकते हैं विभिन्न तरह के बास्केट रखे होंगे, हैंडमेड है ये सारे। इनसे पूछते हैं कि क्या किस तरीके से ये बनाती है, क्या किस तरह से ये बनता है, और मतलब क्या मटेरियल का यूज़ हुआ है इन सारी चीज़ों में, हम जानेंगे इनसे। अपना नाम बताएं आप मैम। मेरा नाम नौक्सा है, हम मणिपुर से आए हैं। तो मतलब किस तरीके से ये बनता है, क्या मटेरियल क्या यूज़ होता है इसमें? एक वाटर हाइसिंस प्लान है, इससे बना हुआ है इसका। ये मणिपुर में लैंग्वेज में कंगना बोलता है। ये हम लोग जब ग्रीन ग्रीन होता है और लंबा लंबा स्ट्रेट आता है इसका, वो काट कर हम सुखाता है, फिर बनाने के टाइमिंग में पानी डाल कर ऐसे बनाता है। जो हमारा डिज़ाइन है, जो चाहता है वही बनाता है ऐसे करके। तो कितने दिन तक ये अच्छे से चल जाता है, क्योंकि एक एज लिमिट भी होता होगा इनका कि मतलब इतने साल तक चल सकता है या फिर इतने महीने तक ये चल सकता है, अच्छे से रहेगा या ख़राब कब तक, मतलब ख़राब तो नहीं होता ये? नहीं होता, ये तो बहुत पॉपुलर है इसके लिए। अभी तो हम लोग बनाते हैं ना, जब हम लोग से वो NGO लोग या कोई दुकानदार लोग लेकर बेचता है, हम लोग तो घर में ऐसे बनाकर रहते हैं हमारा ग्रुप लोग। मगर आजकल तो आजीविका का मेला लगा गया, इसके लिए हम मणिपुर गवर्नमेंट से लेटर इंडिया गवर्नमेंट लगा रहे हैं ना, इसके लिए हम मेला जब हमारा प्रोडक्ट है, जो जहाँ भी मेला लगाए जाओ ऐसे बोलकर हम लोग खाने पीना आने जाने पूरा फ्री है। ये पैसा जाने का पैसा भी देता है, एक दिन का भी पैसा देता है इसको। वो ये सामान हम बनाए, ये हमारा ग्रुप लोग है ना, लेडीज लोग का जो सब बना हुआ है वो भेजो ऐसा। वो हमारा वो बना का हमारा घर का सब मेंटेनेंस करने के लिए। गरीब से आप लोग जैसे आप बनाती हैं यहाँ पे मणिपुर में, जैसे बनाती हैं तो आपके सहयोगी भी काफ़ी होंगे, जैसे वो मदद करते होंगे जो ये सारी चीज़ें बनाने में, तो उन लोगों का खर्च, उन लोगों का जो एक मूल्य राशि होता है, सैलरी वगैरह वेतन वगैरह देना होता है, तो वो सब आपका इस चीज़ से बेचने वगैरह से खर्च निकल जाता है? नहीं, ये हम पहले तो हम ऐसे ही घर में बनाकर थोड़ा थोड़ा और बैठने के मैट्रेस बनाते हैं, जमाना पुराना ज़माने में। आजकल ये डिज़ाइन अलग अलग सब बनाने लगा है, मगर ये बनाने में थोड़ा पैसा भी चाहिए ना थोड़ा, क्योंकि लोड मेटेरियल तो ज़्यादा लगाया नहीं है ना, आजकल तो पूरा लगा लिया। और लगाने वाला बनाता नहीं, सिर्फ लगाता है, वो बेचता है, वो अलग से आदमी क्राफ्ट लोग खरीद कर वो बनाता है। इसके लिए पैसा भी ज़रूरत होता है ना, इसके लिए गवर्नमेंट लोन देता है और सब्सिडी भी देता है। सरकार आप लोग को किस तरीके से मदद करती है अभी, जैसे आपको सरस मेला में बुलाया गया तो फिर आपको यहाँ पे रहने खाने का तो मिलता ही होगा, प्रोवाइड किया जाता होगा ना सारी चीज़? यही तो बोले मैं, एक स्कीम है इंडिया गवर्नमेंट का, ऑल इंडिया में स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन है, ये MSME ये स्कीम है इसके नाम का। ये रूरल एरिया का लड़की लोग को जो अपने अपने पसंद का वो क्राफ्ट है या कोई घर का नहीं हो तो कोई खेत का काम हो तो उसको यूज़ चलाने के लिए मिला के काम करो, और उस लोग का जो गरीब मिटा दो। सरकार मदद करती है इनमें साफ तौर पे। हाँ, तो देता है, सब्सिडी भी देता है, ऐसा ही है। चलिए, तो साफ तौर पर कहना है कि ये अपने काम तो करती हैं, साथ साथ सरकार भी काफ़ी मदद करती हैं इस काम में। और सरकार के साथ साथ ये जो सरस मेला में इनकी स्टॉल लगी हुई है, सरकार इन्हें आने जाने का खर्चा, आने जाने की टिकट, पर्याप्ता रहने की सुविधा, और पर डे अगर इनको कुछ खर्च वगैरह हो रहा है तो वो भी सरकार मुहैया कराती है।